भाजपा सांसद रमेश भिदुड़ी द्वारा लोकसभा में बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा के कई नेता खुद इसको गलत बता रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे भी जुड़ गए हैं। निशिकांत दुबे ने रमेश भिदुड़ी के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि ये टिप्पणी बहुत गलत थी। हालांकि दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से बसपा सांसद के अशोभनीय शब्दों और आचरण की भी जांच करने की अपील की है। रमेश भिदुड़ी की लोकसभा में टिप्पणी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी खेद प्रकट किया था। हालांकि सदन की कार्यवाही के एक दिन बाद विवाद बढ़ने पर भाजपा ने भिदुड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। बसपा सांसद दानिश अली ने भी लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष ये मामला उठाया है और पत्र लिखकर मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजने को कहा है। इससे पहले ओम बिरला ने भिदुड़ी के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि अगर भविष्य में ऐसा फिर हुआ तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी।